और अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। और अब बात लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की। जेल में बंद आशीष मिश्रा पर आज आरोप तय हो सकते हैं। आशीष मिश्रा पर आरोप तय करने के लिए सेशन कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आशीष मिश्रा पर चार्जेस को लेकर आज कोर्ट में बहस भी होगी। आपको बता दें कि रविवार यानी कि 24 अप्रैल को आशीष ने सरेंडर किया था और सरेंडर के बाद अब तिकुनिया हिंसा मामले को लेकर आज आशीष पर आरोप तय हो सकते हैं। देखिए तस्वीरें उस वक्त की है जब उसने सरेंडर किया था, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज आरोप तय हो सकते हैं। कोर्ट का रुख क्या रहता है ये भी देखना होगा। सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। 24 अप्रैल को आशीष ने सरेंडर किया था और अब आज आरोप तय हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि आज सेशन कोर्ट की तरफ से आरोप तय हो सकते हैं, जानकारी दीजिएगा कब तक आशीष पहुंचेगा कोर्ट में, क्या कुछ आज पूरी प्रक्रिया रहेगी। ये आज लखीमपुर कांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लगभग 7 महीने होने वाले हैं। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी थे, मुख्य साजिशकर्ता, जो साजिश की थी जिसमें 8 लोगों की मौत हुई, 4 किसान थे, 1 पत्रकार था और आशीष मिश्रा के पक्ष के 3 लोग थे। तीनों 8 लोगों की मौत के पीछे बताया जा रहा है कि मुख्य साजिशकर्ता यानी जिसने पूरी साजिश रची थी वो आशीष मिश्रा थे, ऐसा पुलिस की विवेचना में सामने आया है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें से 6 लोग गिरफ्तार हैं, यानी आशीष, उसका जो सहयोगी है अंकित दास और ड्राइवर है लतीफ, नंदन है, सत्यम है, ये लोग गिरफ्तार हैं। और चार्जशीट में 9 धाराएं लगी हैं, हत्या है, हत्या का प्रयास है, साजिश रचना है, मारपीट, बलवा, तोड़फोड़, आगजनी और आर्म्स एक्ट, क्योंकि असलहे भी वहां पर गोलियां चली थी, फायरिंग हुई थी। और ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा के लाइसेंसी असलहों से ही गोलियां चली थी, पुलिस ने असलहे जब्त भी कर लिए। तो आज चार्ज फ्रेम होने के लिए सुनवाई होनी है, यानी जो आरोपी हैं अलग अलग उनका चार्ज फ्रेम नहीं होना है, सिर्फ आशीष मिश्रा पर चार्ज फ्रेम होने हैं। पुलिस ने अपनी विवेचना में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें आशीष मिश्रा को साजिशकर्ता बताया है। तो साजिश रची है, किस तरह से रची है, पुलिस ने अपनी जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें पूरा क्लियर किया है, एक एक पॉइंट क्लियर किया है। अब इसी पॉइंट्स पर सारे जो बिंदु हैं उन पर कोर्ट में सुनवाई होगी। जो अभियोजन पक्ष है वो तर्क अपने रखेगा, आशीष मिश्रा के वकील अपने पर तर्क रखेंगे। हालांकि आशीष मिश्रा ने खुद को निर्दोष बताते हुए एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी दाखिल की थी, लेकिन उस पर सुनवाई अभी नहीं हो सकी है। और आज का दिन बहुत अहम रहेगा, आज का दिन बहुत अहम है विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।